डियर स्टूडेंट्स वेलकम है थोड़ा प्राइम टॉक चैनल दी अगली वीडियो आर्टिकल दे विच अज असी जानांगे कि आर्टिकल्स अ एंड द ए की हुंदे ने अते इन्हां दी सही वरतों की है ते कई बार तुसी सुनिया होएगा कि टी एच ई नूं कई बार द बोलिया जांदा ते कई बार दी बोलिया जांदा की ये दोनों वक्खरे वक्खरे शब्द ने जां इको ही शब्द नूं दो बार बोलिया जांदा ये बारे भी अज आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आओ आप अपने टॉपिक वाल वधदे हाँ जानते हाँ आर्टिकल के बारे च आर्टिकल के बारे जानने तो पहला आप जरा एक काफ़ी पापूलर आर्टिकल है एज न बोलते हैं वो प्रोनाउंसीएशन देखते हैं वह उच्चारण देखते हैं तो ए नू डीयर स्टूडेंट्स असी बोलना है अ यदि सही जी प्रोनाउंसीएशन है वो अ है ना कि ए दिस इज ए पेन ए एक रोंग प्रोनाउंसीएशन है दिस इज अ पेन ए सही प्रोनाउंसीएशन है जेकर तुसी सिर्फ लिखोगे तो लिखने के लिए दोनों ही सेंटेंस ठीक होंगे लिखते हुए पर उच्चारण करते समय असी ए नहीं बोलना उच्चारण करते हुए असी अ बोलना है तो हुण असी चलते हैं अगे साडे टॉपिक दे वल देखते हाँ ए एन ते द दा की वरतों है अ एन द ता असी सब तो पहला शुरू करते हाँ ये के किस्म कहनिया ने तो आर्टिकल नू दो भागों में वंडिया गया है डेफिनेट ते इनडेफिनेट डेफिनेट विच एक आर्टिकल है द इनडेफिनेट विच दो आर्टिकल ने अ ते एन तो हुण अ दी वरतों कित्थे हुंदी है एन दी कित्थे ते द दी कित्थे आपां अगलियां स्लाइड्स दे विच देखदे हां डेफिनेट आर्टिकल द ए की हुंदा है इट इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्टिकुलर परसन प्लेस और थिंग ये कित्थे दी वरतों हुंदी आ कि किसी खास जगह नू इंसान नू दर्शाउण दे लई इनडेफिनेट आर्टिकल अ ते एन दी वरतों इट डज़ नॉट यूज टू पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर परसन प्लेस और थिंग इहदा अपोजिट आ कि इहदी वरतों कॉमनली हुंदी आ आम तौर ते हुंदी आ कित्थे कित्थे हुंदी आ ये आपां देखदे हां आपां कुछ एग्जाम्पल लैंदे हां इह च तुसीं अ दा जिहड़ा यूज़ आ उहनू देखोगे देयर इज अ मैन एट द शॉप इत्थे असीं कहा कि एक आदमी है दुकान ते ये आदमी खास नहीं है स्पैशल नहीं है बस असी सिंपल कहता कि जी एक आदमी दुकान पर है देयर इज अ मैन एट द शॉप अ गर्ल इज वेटिंग फॉर यू अ गर्ल इज वेटिंग फॉर यू अ मतलब एक लड़की तुहाडी वेट कर रही है ये लड़की कौन है कोई खास है कोई स्पैशल है ये असी कुछ नहीं किया सिर्फ ये कहता कि जी एक लड़की तुहाडी वेट कर रही है अ गर्ल इज वेटिंग फॉर यू पर अगे तुसीं एक सेंटेंस देख रहे हो जिसनों देख के तुसीं थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो अ मिसिज राधा इज कॉलिंग यू कि इस तरीके नाल अ लग सकता है किसी सेंटेंस के अगे आर्टिकल दा वर दी वरतों हो सकती है हाँ हो सकती है उहदे लई एक आपां उदाहरण तो समझते हैं एक एग्जाम्पल लेंदे हैं सौखी जी की है कि मान के चलो तुसीं अपने घरे हो तो जदों तुसीं अपने घरे हो तो तुहाडे बाहर कोई गेट पर आया डोर नॉक होया तुसी गए तो बाहर कोई लेडी सी उन्होंने तुहानू कहा कि जी अपने मम्मी नू मैसेज दिओ कि मिसिज राधा आए ने हुण तुसी मिसिज राधा नू जानदे नहीं तुसी अपने मम्मी कोल आए तो उन्होंने पंजाबी च आके की कहना कि मम्मी बाहर कोई ना मिसिज राधा आए आ तो हुण क्योंकि तुसी जानदे तुसी की कहा जी कि कोई मिसिज राधा आए आ तो इस तरह के सेंटेंसिस दे विच डियर स्टूडेंट्स असी अ दी वरतों करते हैं तो असी उन्हें किवें बोलांगे कि मॉम देयर इज अ मिसिज राधा एट डोर कि कोई मिसिज राधा डोर ते ने गेट ते ने तो इदां दे सेंटेंसिस दे विच असी अ दी वरतों कर लेंदे हां अगे चलते हैं उम्मीद है कि तुहानू इहदे बारे पता चल गया होएगा कि अ जिहड़ा आर्टिकल आ इह कॉमनली यूज़ हुंदा एक चीज़ दर्शाउण लई भी हुंदा ते कॉमनली भी हुंदा एन ते द दी वरतों तुसी समझ लो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟੀ ਐਚ ਈ ਦ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਿਦ ਯੂਨੀਕ ਪੀਪਲ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨ ਦੀ ਅਰਥ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਕਾਈ ਸੋ ਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਕ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
वी यूज द विद यूनीक ग्रुप ऑफ पीपल, तो असी द की वरतों कुछ जो खास ग्रुप में संबोधन करने वाले शब्द आ उन्होंने भी करते हैं, जिस तरह द रिच द पुअर द यंग। इस हूँ यंग पुअर रिच के मतलब वो सारे लोग जो रिच ने, वो सारे लोग जो गरीब ने, वो सारे लोग जो यंग ने, वो सारे लोग जो ओल्ड ने, ठीक है जी। जिदा कलैक्टिव नाउन होंगे उन्होंने नाल भी असी द की वरतों कर लेंगे। अगला है जोड़ा यूज है द का, वी यूज द विद यूनीक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। हुण असी एडजेक्टिव दी इहनूं एडजेक्टिव नहीं बोलना, डी एच साइलेंट आ, एडजेक्टिव बोलते हैं असी इहनूं। सुपरलेटिव डिग्री जो है एडजेक्टिव दी, उहदे नाल भी यह द की वरतों की जाती है, जां फिर फेमस बिल्डिंग्स या मोन्यूमेंट्स होण। हुण जिवें कि द बेस्ट, हुण बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बैटर बेस्ट, द हाईएस्ट ए हाई हायर हाईएस्ट, इस तरह की मोस्ट, तो बिल्डिंग तो मोन्यूमेंट द ताजमहल द कुतुब मीनार, होर बहुत सारिया बिल्डिंग्स हो सकती ने जिहड़ियां फेमस ने यूनीक ने, तो इन दे नाल भी असी द की वरतों करते हैं। अगे साढ़े को द की होर की वरतों है कि द इज यूज विद द नेम ऑफ सम कंट्रीज, किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक, कि अजिहियां कंट्रीज जिन्हां दे नाल किंगडम, स्टेट्स या रिपब्लिक लग्या होवे उत्थे भी असीं द दी वरतों करदे हां। जिवें कि आ देखो द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, ये जिन्हां दे नाल किंगडम या स्टेट्स लग्या, जिहड़ा यूनाइटेड स्टेट्स आ USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इहदे नाल द लगदा। रिपब्लिक लग्या होवे उत्थे भी असीं द दी वरतों करदे, जिद्दां द आयरलैंड, द नैदरलैंड्स, द फिलीपींस, ये दो जिहड़े नीचे वाले आ ये तो आ डेफिनेशन कि जेकर कुछ कंट्रीज़ के नाम प्लूरल ने, प्लूरल साउंड होंगे नाम, तो उत्थे भी असी द की वरतों कर, जिदा नैदर असी जेकर ब्रेक करिए नैदर एक चीज़ आ, लैंड एक चीज़ आ, एस ला के उन्हों प्लूरल किया गया लैंड्स, तो यह प्लूरल आ, दैट्स वाई वी यूज हीयर द। इदा ही फिलीपींस है, तो यह भी द यूज कर ही एक केस है। तो हूँ अगे असी देखते हाँ कि द की वरतों असी कुछ खास फैमिलीज या कुछ खास घराणियां दे नाल भी करते हैं, कुछ खास खानदाना दे नाल भी करते हैं, जां असी अपनी फैमिली नूं, आपदे परिवार नूं, आपदे सरनेम नूं, गोत नूं खास दिखाना चाहते हैं, तो उत्थे भी असी द दा यूज़ कर सकते हैं। जिद्दां द टाटास, द टाटास, द खानस, द गुप्तास, है ना। तो जां फिर द दी वरतों हुंदी आ ओनली दे नाल, कि जेकर साडे कोल सिर्फ इको ही एक चीज़ आ, जिवें आई हैव द ओनली बुक, ही इज़ द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, इस तरीके इस तरह के सेंटेंसिस दे विच भी द दा यूज़ किया जाता है। तो तुसी उम्मीद समझ गए होवोगे कि द दी वरतों कित्थे हुंदी है। एक साडे कोल होर केस आ जिथे असी द दी वरतों कर सकते हैं, वो केस की आ कि जेकर तुसी किसी इंसान नूं, किसी जगह नूं, किसी वस्तु नूं खास बना के पेश करना चाहते हो, जां तुसी उस इंसान या जगह या प्लेस या वस्तु बारे पहला गल कर चुके हो, कुछ समय बाद तुसी या तुहाडा जान पहचान दा कोई परसन जिहदे नाल तुसी उस बारे पहला गल कीती सी, उह जेकर उसे चीज़, उस इंसान, उस वस्तु बारे दुबारा गल करता तां भी दा ला लिया जाता। इहनू भी आपां एक उदाहरण तो समझदे हां। तुहाडे सामने एक पिक्चर है, पिक्चर दे विच तुसी देखो क्लासरूम दा दृश्य, कुछ बच्चे बैठे आ, एक टीचर ने, इन्हां दे विचों जिहड़े बच्चे ने हैंड रेज कीता होया, कैब वाला बच्चा बिल्कुल फ्रंट रो दे विच बैठा, उन्हें कुछ समय पहले कुछ शरारत की क्लास के अक्सर शरारत करता रहा, तो ये मैम ने इन्होंने उसकी कंप्लेंट की प्रिंसीपल में, तो प्रिंसीपल साहब ने वो शिकायत बारे जानने के लिए कुछ समय बाद क्लास आते हैं। हुण क्लास में आकर के जेकर प्रिंसीपल साहब ये कह देन कि जी हू इज़ अ स्टूडेंट, तो की होएगा यदि पंजाबी की बनूगी, कि विद्यार्थी कौन है, कौन विद्यार्थी है, तो की होएगा सारे बच्चे हाथ खड़े कर देंगे कि जी मैं भी विद्यार्थी, मैं भी विद्यार्थी हाँ, क्योंकि एवरीवन इज़ अ स्टूडेंट। पर होगा कि इस केस विच की पूछा जाऊगा, क्योंकि वो पूछना चाहते आ वो बच्चा जिदे बारे मैम कंप्लेंट करके आई है, तो फिर की पूछेंगे कि हू इज़ द स्टूडेंट, कि वो बच्चा कौन है जिदे बारे तुसी कंप्लेंट की सी। तो जो फिर द स्टूडेंट कहेंगे फिर सारे बच्चों के हैंड रेज नहीं होंगे, एक बच्चे बारे दसया जाऊगा कि द स्टूडेंट है जी आ बच्चा है। जिस तरह दिस इज़ द बुक आई वॉन्ट, ये बुक जिन्हों मैं चाहता हाँ जो मैं चाहिए है, दिस इज़ द परसन टू हूम आई लाइक वेरी मच, है ना।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਮਸ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ, ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀ ਗੰਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਾਵਲਸ ਨੇ, ਸਵਰ ਨੇ, ਅਤੇ 21 ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਾਵਲ ਨੇ, ਸਵਰ ਨੇ, ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਵਲ ਦੀ ਸਾਊਂਡ, ਨੋਟ ਵਾਵਲ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਵਲ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡ ਹੋਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਓ ਊ ਓ ਅ ਆ ਏ ਈ ਐ ਆਦਿ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਵਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਵਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਇਹ 'ਚ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਵਲ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਈ, ਦੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਹੇਅਰ ਐਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਵਲ ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਊ ਜਿਹੜਾ ਵਾਵਲ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਯੂ ਯ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਾਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਊ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਨ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਯ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਯੂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਅ ਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਨ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਔਨੈਸਟ, ਔ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਸਾਇਲੈਂਟ ਆ, ਔ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਪੁੱਟ ਹੇਅਰ ਐਨ। ਆਈ ਮੈਟ ਐਨ MLA, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਹੈ ਉਹ ਵਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਨ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐ, MLA ਐ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਨੋਟ ਲੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਐਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਏ ਐਨ ਦ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਵਲ ਅਤੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੇਸ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦ ਅਤੇ ਦੀ, ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ THE ਨੂੰ ਦੀ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ THE ਨੂੰ ਦ ਬੋਲਣਾ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਯੰਗ ਮੈਨ, ਦ ਬੁੱਕ, ਦ ਟੀਚਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੀ ਓਨੈਸਟ ਮੈਨ, ਦੀ ਐਂਡ, ਦੀ ਓਲਡ ਲੇਡੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਵਾਵਲ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੀ THE ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵਾਵਲ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਓਲਡ ਲੇਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦੀ ਐਂਡ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਨੂੰ ਦੀ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੀ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਊਲ ਹੋਵੇ, ਵਾਵਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ THE ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ,
फेस प्राइम टॉक के फेसबुक पेज में भी लाइक करो ता कि इस तरह दी इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहन। अगे एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिदे में तुसी देखोगे कि अजिहे केड़े वर्ड्स ने जिन्हां दे नाल तुसी द दी वरतों नहीं करनी। बिफोर द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज असी द नहीं लाउणा, जिद्दां द हिंदी, द पंजाबी, द इंग्लिश इस तरह। बिफोर द नेम ऑफ एनी डिजीज़ किसी बीमारी का नाम उत्थे भी असी द नहीं लाउणा। बिफोर द नेम ऑफ प्रॉपर नाउन किसी का नाम है खास जगह का इंसान का वस्तु का उत्थे भी द नहीं लाउणा, पर कुछ एक्सैप्शन है कुछ खास नाम ने जिथे असी द लाते हैं वह असी द की वरतों के स्लाइड में देख चुके हैं कितने कितने लाते हैं वह उवें लगना। द नेम ऑफ कंट्रीज़ इस तरह हर कंट्री के नाम नाल असी द नहीं लाते, सिर्फ असी उत्थे लाते हैं जिथे रिपब्लिक स्टेट्स ते यूनाइटेड लग्या होवे। बिफोर द वर्ड डिनर ब्रेकफास्ट और लंच ते डिनर ब्रेकफास्ट लंच इन्हां दे नाल भी असी द दी वरतों नहीं करते, द डिनर द ब्रेकफास्ट द लंच असी नहीं कहिंदे। इस तरह ही असी स्कूल का नाम होवे किसी का गॉड होवे या कोई हॉस्पिटल का नाम उहदे नाल भी अगे द दी वरतों नहीं करते। पर हाँ सेम एक्सैप्शन कि जेकर तुसी हॉस्पिटल के नाम नूं जां अपने स्कूल के नाम नूं स्पैशली शो करना चाहते हो यू कैन ऐड, बट ग्रामेटिकली असी द दी वरतों नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि तुहानू अज दे इस लैक्चर दे विच आर्टिकल बारे काफ़ी कुछ पता चल गया होएगा। जेकर कुछ नहीं पता लग्या तुसी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखो, यू विल गैट द आंसर डेफिनेटली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।